देख रहे हैं मुख्यमंत्री पाठ्यक्रम मार्गदर्शन उत्प्रेरण योजना अंतर्गत बिहार राज्य शिक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी को आपने यह उत्कृष्ट योजना बच्चों के लिए लाया है। क्लास और क्लास से आज आप सभी को बताएंगे जो नेट जीआईएफ का फ्री क्लास है, तो चलिए क्लास चलते हैं और डेली क्लास जाना इम्पोर्टेंट है, तो चलिए चलते हैं क्लास। सौदा खादा और मोमेंटो देकर सम्मानित करें। अब मैं राहुल सर से अनुरोध करती हूँ कि वो मानवीय संकाय की संकायाध्यक्ष प्रोफेसर रहमत जहां मैम को खादा मोमेंटो और पौधा देकर सम्मानित करें। देख सकते हैं यहां पे अब नेट जीआईएफ का क्लास ओपन हो जाएगा, आप यहां पे देख सकते हैं निःशुल्क सेवाएं, इससे छात्रों को बहुत लाभान्वित होंगे सभी छात्र। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कविता कुमारी टू फेलिसिटेट प्रोफेसर गणेश राय सर डियर जगदीश नगर यूनिवर्सिटी with a short memento and a green bouquet. Now I would like to invite our director of Career Guidance Center, Dr. Pramod Kumar sir, to deliver welcome address. बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी। सत्य अहिंसा अभियान की इस तपोभूमि पर स्थित मगध विश्वविद्यालय के मनलाल केंद्रीय पुस्तकालय के सभागार में बिहार राज्य के मुख्यमंत्री पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं प्रेरण योजना के अंतर्गत बिहार राज्य पिछड़ा वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्गों के छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क नेट और जीआरएफ की तैयारी हेतु माननीय कुलपति माननीय कुलपति मगध विश्वविद्यालय बोधगया के कर कर्मों द्वारा वर्ग का शुभारंभ आज होने जा रहा है। इस गर्मामय और शुभ अवसर पर आप इस आए हुए इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों का मैं एज ए डायरेक्टर करियर गाइडेंस सेंटर डॉक्टर प्रमोद कुमार चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत सर्वप्रथम स्वागत करता हूँ हमारे स्कूल के अभिभावक और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय कुलपति प्रोफेसर एस पी शाही सर जी का, जिन्होंने इस योजना के अंतर्गत अन्य विश्वविद्यालयों की तरह हमारे इस मगध विश्वविद्यालय में भी मुख्य मंत्री योजना अंतर्गत निःशुल्क नेट और जीआरएफ की तैयारी के लिए मुझे प्रेरित और मार्गदर्शन कराए और आज उनके कर आपों के से इस जीवन रूप आपके सामने में है, इसके लिए माननीय कुलपति महोदय आपका हार्दिक वंदन और अभिनंदन और स्वागत करता हूँ माननीय प्रति कुलपति महोदय का प्रोफेसर बी आर के सिन्हा सर का, जिन्होंने अपने आशीर्वाद से और कल मैंने उनसे जाकर के मिला और उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा ये कार्यक्रम है आपको चला कराना है और मेरे तरफ से आपका जो भी है सहयोग मिलता रहेगा, तो सर आप इस कार्यक्रम में आए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत करता हूँ प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार सर का, डीन फैकल्टी ऑफ साइंस सर का, आप आए सर और इस कार्यक्रम में हमारे छात्रों छात्र छात्राओं को मार्गदर्शन कराएंगे खास करके नेट और जीआरएफ के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वागत करता हूँ आर एस जमवार सर का, प्रोफेसर आर एस जमवार सर का, डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, जो हमेशा समय समय पर हमें मार्गदर्शन देते रहे हैं और इस क्रम में उन्होंने भी कहा कि यह कार्यक्रम बहुत अच्छा है, यह योजना बहुत अच्छा है, आप इसको कराइए और हम समझते हैं कि हमसे जो जहाँ तक सहयोग होगा हम आपका आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर रहमत जहां, डीन फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज,
मैडम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने भी इस संदर्भ में अपना पूरा सम्मान हम लोग के साथ दिए हैं, इसलिए मैडम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। प्रोफेसर राजेश राय सर, ESW MU मोदिया सर का भी मार्गदर्शन हमेशा रहा, और खास करके उन्होंने जब इनके सामने में बताया कि सर इस तरह की बात है, तो उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा कार्यक्रम है, आप इसको कराइए और हमारे बच्चे को इस तरह से, क्योंकि मगध विश्वविद्यालय में अब तक का यहाँ से कि अब तक इस प्रकार के करियर गाइडेंस सेंटर की स्थापना नहीं हुई, यह हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है। और इस विशेष रूप से इस सभागार में उपस्थित विभागाध्यक्ष, विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी का मैं हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सर, जैसा कि इस योजना जो है, यह योजना मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत जो है, जिसमें पिछड़ी जाति और पिछड़े अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए नेट और GIF की तैयारी कराने के लिए यह योजना है, जिसमें कुल 120 छात्रों का एडमिशन लेना है। और वर्तमान समय हम लोग सोचे थे कि 4 विषय का असर शुरू करेंगे, लेकिन 5 विषयों का चुनाव हम लोग किए, जिसमें लाइब्रेरी साइंस, जूलॉजी, हिंदी और सोशियोलॉजी और इंग्लिश, ये 5 विषय की सर तत्काल हम लोग तैयारी कराने के लिए, सर हम लोग जितने छात्र में है इतना सर हम लोग 120 लड़के का तैयारी कराने के लिए सर, क्योंकि सर आपके विभाग से सर कुछ बच्चे का जो है अभी तक नहीं है, लेकिन सर उसको भी अगर हम जोड़ देंगे तो इस तरह से यह योजना जो है हमारे मगध विश्वविद्यालय के लिए बहुत बड़ी बात है, जो सर के कार्यक्रमों द्वारा आज यहाँ शुभारंभ हो रहा है, तो जोरदार तालियों के साथ। पूरा खुश है, नेट और GIF की तैयारी करने के लिए हमें दूसरे जगह नहीं जाना पड़ेगा, इसके लिए हमने दो क्लास रखे हैं, एक जनरल स्टडी की और एक सब्जेक्ट की। तो जनरल स्टडी के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से हमने हायर किया है, और जो सेकंड पेपर के लिए जो है सब्जेक्ट है, जो हमारे नई न्यूली सब टीचर सब हैं जो नेट किए हुए वो अपनी अपने अपने जो उन्होंने देखा है, जिस तरह से उन्होंने पास किया है, तो सारे के सारे सुझाव आप लोग को देंगे। तो इसी चंद शब्दों के साथ मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। देश बाबू, जमुआ साहब, रामत जहां जी, और इस कार्यक्रम के डायरेक्टर DK चौधरी जी, आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री पाठ्यक्रम मार्गदर्शन उत्प्रेरण योजना अंतर्गत बिहार राज्य शिक्षा विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को, आपने यह उत्कृष्ट योजना बच्चों के लिए लाया है, व्यक्ति का महत्व एक दिन में पता नहीं चलता, शासक बहुत पैदा होते हैं, कोई क्रूर शासक होता है, कोई काम करने वाला शासक होता है, और कोई बिना काम करके भी जनता के दिलों पर राज करने वाला होता है। समय बदल गया, विचार बदल रहा है, या ठीक है अभी भी ट्रेंड यहां यही चल रहा है, एडमिशन ले लो, घर से रहो, आके परीक्षा दे के डिग्री, अरे डिग्री किस काम का, डिग्री लेने से नौकरी मिल जाएगी, मिलती है क्या, उसके लिए क्या करना पड़ता है,
पढ़ना पड़ता है ना, तो पढ़ना ही जीवन का सत्य है। और यह बात सदियों से चला रहा है। सरस्वती की आराधना क्या है और आपको पढ़ाने के लिए सरकार ने यूनिवर्सिटी खोला, शिक्षक बहाल किया, हम मात्र 13 रुपए में पढ़ाई होती है ना, 13 रुपए में पूरे वर्ल्ड में कहीं है ऐसा। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना, अरे भाई यह योजना गरीबों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था, सब व्यवस्था के बावजूद आप अगर बढ़िया परफॉर्म नहीं करते हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ब्रजेश बाबू जिम्मेदार कौन है? अवसर आपके पास है, अवसर का लाभ आपके चौधरी जी क्लासेस के लिए फंड आते हैं ना जी, अगर उसमें कमी होती है तो आप देश के और जगह से भी बुलाइए, टीचर विश्वविद्यालय पैसा दे। और इन गरीबों के बच्चों को पढ़वाइए और अंतिम पायदान के बच्चे जब तक शिक्षित नहीं होंगे आपका समाज उत्कृष्टता को प्राप्त नहीं करेगा। और मैं बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, उनका मोल अब पता चल रहा है। जब 5-6 घंटे में हम लोग पटना जा रहे थे, अब 30 सितंबर से 2 घंटे में हम लोग पटना जाएंगे। तो जो काम नीतीश कुमार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में किया, लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में किया, बिजली के विकास में किया, शिक्षकों की बहाली में किया और गरीबों को पढ़वाने की जो व्यवस्था की है, शायद हिंदुस्तान में ऐसे किसी शासक ने नहीं किए। इसलिए मैं हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी इस योजना से बच्चे लाभान्वित होकर के नौकरियों को प्राप्त करके उत्कृष्ट बिहार राज्य के नव निर्माण में भागीदार बनेंगे। चुनौती आपके साथ, चुनौती आपको स्वीकार करना है, समय किसी का इंतजार नहीं करता। मेरा 1.5 साल चला गया, 1.5 साल और बाकी। ब्रजेश बाबू ने एक बात बताई कि यहाँ पहले एनएसएस में छोड़ करके कई कार्यक्रम इक्का दुक्का होते थे, अभी तो सभी डिपार्टमेंट में कार्यक्रम हो रहे हैं। तो माहौल अकेले कुलपति नहीं बनाता है, शिक्षक बनाते हैं, कर्मचारी बनाते हैं और सबसे ज्यादा बच्चे बनाते हैं। कहीं से फील मिला कि हिंदी का कार्यक्रम बड़ा उच्च स्तर का हुआ, सुन के मन में गदगद हुआ, इस तरह का कार्यक्रम होता है हमारे, ये हमारी सफलता का द्योतक है। इसलिए चौधरी जी आप घबराइएगा मत, बच्चों को प्रेरित कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए, बाहर के रिसर्च स्कॉलर को टीचर को बुलाइए, विश्वविद्यालय आपके साथ सदैव कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार है। अगर बीच में कोई अवरोध पैदा करता है, कोई अवरोध, उसको कुचल दिया जाएगा। आप बच्चों को पढ़ाइए और यह जान लीजिए पढ़ाने से बड़ा काम इस धरती पर कुछ नहीं है। बच्चों को शिक्षित करना यह सबसे पवित्र काम है। शिक्षा दे करके आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं,
गांव के मंदिर में नहीं जाता लेकिन गरीबों को मदद करता है, उसको भी भगवान आशीर्वाद देता है। आप बच्चों को मन से पढ़वाइए, प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा, आपका सिविल प्रमोशन करने जाएगा। आपको बधाई है कि बिहार बदल रहा है। विश्वविद्यालय में निःशुल्क सेवाएं जो प्रारंभ की गई है, नेट GIF के सर ने बताया भी है, और ये हम सब छात्रों का मांग भी था और ये पूरा भी हुआ, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है कोई भी 8,000-10,000 दे के पेपर 1 पेपर 2 आपको जो जो सब्जेक्ट बताए हैं सर उसका तो नेट का GIF एग्ज़ाम होगा, बट कुछ तो गया है क्या साइंस का, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है साइंस में, और जैसा कि बताए भी हैं जो जो सब्जेक्ट, और अभी साहब भी बोले कि मेरा सब्जेक्ट क्यों छूटेगा पॉलिटिकल साइंस, उसका भी करवाया जाए, तो मुझे लग रहा है उसका भी उसमें जुड़ा जाएगा और फिर दिखाएंगे आपको रियलिटी में यार। जब मगध विश्वविद्यालय है कुछ अच्छा, बहुत अच्छा होने वाला है आने वाले समय में, बहुत अच्छा हो जाएगा। नेट जाए आपका क्लास खुलेगा वहाँ से देखेगा, फिर सिलेक्शन नंबर ऑफ सिलेक्शन बढ़ेंगे, PhD के स्कॉलर का नंबर ऑफ सिलेक्शन बढ़ेगा, यहीं पर बहुत सारे PhD नेट GIF भी हैं, और जब यहाँ हो जाएगा वैसे बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जैसे हमें क्लास में ही IITian हैं सभी और किए हुए, और वहाँ से आए हैं PhD करके, तो एक अलग होता है। तो चलते क्योंकि बीच में लंच हुआ था तो हम गए थे थोड़ा देर के लिए, अभी क्लास आए, क्लास में करना इम्पोर्टेंट है समझे, चलते हैं। तो हो चुका है और सभी चीज़ बताता हूँ, अभी देखिए हम आए हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट से भी जा रहे हैं क्लास करके, और 3:49 हो चुका है। और एक चीज़ बता दो, सोमवार से बहुत गुड न्यूज, नेट GIF का क्लास 10 बजे से चालू हो जाएगा फर्स्ट पेपर का, तो जिनको फर्स्ट पेपर में आपको प्रॉब्लम है तो आप आके पढ़ सकते हैं, क्योंकि मुझे भी क्लास करना है फर्स्ट पेपर का, और जितने भी छात्र हैं अब मगध विश्वविद्यालय पहले की स्थिति जैसा नहीं रहा, क्योंकि हॉस्टल में अब एक स्टूडेंट भी नहीं रुक पाते हैं जितने भी पहले जाते थे, और अब सबको क्लास करना पड़ता है, सब जाते हैं देख रहे हैं, पानी ले लेके हाथ में, कॉपी लेके, पेन लेके, पूरा कैंपस में ही एक माहौल अब अलग सा हो गया है, पॉजिटिव वाइब्स की तरह माहौल बन रहा धीरे धीरे। ठीक है, तो वीडियो को हम एंड करते हैं, और जैसा कि कुलपति सर ने बताया है कि जो इस चीज़ में बाधा हैं देगा अपना बच्चे को पढ़ाने में उसको धर के कुचल दिया जाएगा, मतलब हम मेरा अस्तित्व रहे या ना रहे, सह का कहना है भी सह का मेरा अस्तित्व रहे व ना रहे, बट छात्रों को पढ़ाई में बाधा नहीं होना चाहिए समझे, और रियलिटी में ये बाधा ख़त्म होना चाहिए, कि जैसा भी पहले सब बताए थे कि डिग्री लो वो सिस्टम भी होने वाला है। देखिए सभी दांग नेताजी यहाँ पैसे निकल रहे हैं, और सभी लोग पढ़ के जा रहे हैं हॉस्टल के, तो वीडियो को एंड करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, फिर से मिलेंगे, कल मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक।